फुलफिलमेंट बाय दराज, जिसकी शॉर्ट फॉर्म FBD है, इसके काफ़ी क्वेश्चंस मुझे रिसीव हुए अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कि बीइंग अ न्यू सेलर हम किस तरह अपने प्रोडक्ट को FBD के लिए एलिजिबल कर सकते हैं। कुछ को तो मैंने इस क्वेश्चन का वही आंसर दे दिया, फिर सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना के भी अपलोड कर दूँ ताकि जिनके माइंड में भी ये क्वेश्चन आए उनको उसका आंसर मिल जाए। तो चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप बीइंग अ न्यू सेलर अपने प्रोडक्ट को FBD के लिए एलिजिबल कर सकते हैं। Are you ready? Yes! 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 Okay. So let's start. सबसे पहले तो ये बता दूं कि जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता कि FBD मॉडल क्या होता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और किस तरह इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। क्योंकि आज की वीडियो में मैं सिर्फ स्पेसिफिकली ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि बीइंग अ न्यू सेलर आप क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करेंगे जिसके थ्रू अपने प्रोडक्ट को FBD मॉडल के लिए एलिजिबल करवा सकते हैं। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं। अगर आप एक बिल्कुल न्यू सेलर हैं, मींस आपका अकाउंट तो बना हुआ है, आपने 2-3 प्रोडक्ट भी अपलोड कर दिए हैं, बट आपको कोई ऑर्डर अभी नहीं आए हैं और आप चाह रहे हैं कि आपने जो प्रोडक्ट अपलोड किए हैं आप उसको डायरेक्ट दराज के वेयर हाउस पहुँचा दें FBD मॉडल के थ्रू, तो ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ी सेल, थोड़े रिव्यूज़ लेके आने पड़ेंगे अपने उस प्रोडक्ट में जिसको आप दराज के वेयर हाउस रखवाना चाहते हैं, तभी दराज वाले आपके उस प्रोडक्ट का IO अप्रूव करेंगे। IO मीन्स इनबाउंड ऑर्डर। अब क्वेश्चन आता है कि हम अपने उस प्रोडक्ट पे सेल्स और रिव्यूज़ कहाँ से लेके आएँ। तो हर सेलर की डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है जिसको वो यूज़ करता है अपनी सेल्स और रिव्यूज़ को इनक्रीज़ करने के लिए। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो कुछ सेलर होते हैं जो सिर्फ दुआओं पे बिलीव करते हैं, तो वो प्रोडक्ट अपलोड करके सिर्फ दुआएं मांगते हैं और उनको ऑर्डर्स आने लग जाते हैं। कुछ सेलर होते हैं जो थोड़े चलाक होते हैं, वो सोचते हैं कि हम चीटिंग करते हैं और किसी तरह ऑर्डर्स पकड़ते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं, अपनी फैमिली को बोलते हैं, रिलेटिव को बोलते हैं और वहाँ से वो ऑर्डर्स पकड़ते हैं शुरू में। कुछ सेलर होते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, पैसा होता है, तो वो क्या करते हैं, वो चीटिंग को फॉलो नहीं करते, वो एडवर्टाइजमेंट को यूज़ करते हैं। दराज का अपना प्लेटफॉर्म है जिसमें वो एडवर्टाइजिंग करता है आपके प्रोडक्ट की, या फेसबुक एड्स के थ्रू वो उसकी एडवर्टाइजिंग करके वहाँ से ऑर्डर्स पकड़ते हैं। और कुछ होते हैं जो अपनी दराज की जो शॉप है उसका लिंक फेसबुक और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर करके वहाँ से ऑर्डर पकड़ते हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो हर कोई अपने तरीके से यूज़ करता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी यूज़ करते हैं और किससे अपने स्टार्टिंग के ऑर्डर्स पकड़ के रिव्यूज़ हासिल करते हैं। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दराज का वेयर हाउस। FBD मॉडल के लिए दराज का जो वेयर हाउस है अभी सिर्फ 4 शहरों में मौजूद है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद। तो अगर आप इनमें से किसी एक शहर में रहते हैं तो आपके लिए तो बहुत इजी है FBD मॉडल के लिए अप्लाई करना, बट क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप इन शहरों में नहीं हैं तो क्या आप दराज के FBD मॉडल में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, और ये दराज के ऑफिशियल्स की बताई हुई ट्रिक है जो मैं आपसे अब शेयर करने जा रहा हूँ। कि लेट सपोज़ आप लाहौर के किसी आसपास के गाँव या शहर में रहते हैं तो आप लाहौर के वेयर हाउस को भी यूज़ कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ ये है कि आपका जो दराज का अकाउंट है उसका एड्रेस आप लाहौर में, कोई भी आपका रिश्तेदार रहता हो, अगर नहीं रहता तो लाहौर का कोई भी आपको एड्रेस डाल देना है, बस। बिल्कुल बेफिक्र होकर आप ये काम कर सकते हैं क्योंकि ये दराज के ऑफिशियल्स ने ही बताया है। इससे आपके अकाउंट को भी कोई ख़तरा नहीं है, आप एड्रेस जब चाहें चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देके भी बता दूं कि कुछ लोग रेंट पे रहते हैं और वो दराज का बिजनेस कर रहे हैं, तो जब वो अपना घर शिफ्ट करते हैं तो वो एड्रेस चेंज करते हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं कि आपका न्यू अकाउंट नहीं है बल्कि एक रनिंग अकाउंट है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आपने अपलोड किए हुए हैं, सब में ऑर्डर्स भी आते हैं, रिव्यूज़ भी आते हैं, तो अब आप दराज के FBD मॉडल को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये करना है कि अपने प्रोडक्ट्स में से सबसे बेस्ट एक या दो प्रोडक्ट को चूज़ करना है जिसमें ज़्यादा ऑर्डर्स और ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ आए हुए हों, और आपको उसका IO क्रिएट करना है। IO कैसे क्रिएट होगा, अगेन उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस वीडियो का, आप उसमें देख के सेम एज इट इज़ IO क्रिएट कर सकते हैं।
अगर आप एक न्यू सेलर हैं और आपके माइंड में ये चीज़ है कि आप दराज के FBD मॉडल को यूज़ करेंगे इन फ्यूचर जब आपके प्रोडक्ट पे ऑर्डर्स और रिव्यूज़ आने लग जाएंगे, तो आपके लिए मेरा सजेशन ये है कि आप FBD मॉडल के लिए ऐसे प्रोडक्ट को चूज़ करें जिसमें वेरियंट कम हो, मीन्स कलर साइजेस का ज़्यादा डिफरेंस ना हो, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट ईजिली अप्रूव हो जाते हैं। ओके, सो अब लास्ट में मैं दो क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं FBD मॉडल से रिलेटेड, कि जब हम अपने प्रोडक्ट को दराज के वेयर हाउस में पहुंचा देंगे तो उसके बाद कस्टमर से जो चैटिंग होती है, जो भी इसके क्वेश्चंस आंसर होते हैं, वो हम डील करेंगे या दराज वाले करेंगे। तो इसका आंसर ये है कि कस्टमर से जो भी चैटिंग होती है, कस्टमर के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर हम खुद देंगे, दराज वाले डील नहीं करेंगे। जब हमारा ऑर्डर फाइनल हो जाएगा, ऑर्डर कर देगा कस्टमर, उसके बाद दराज का काम शुरू होगा कि वो उसको पिक करके पैक करके शिप करेगा। और सेकंड क्वेश्चन ये कि दराज के वेयर हाउस में प्रोडक्ट को रखने के चार्जेस होते हैं या नहीं होते, और होते हैं तो कितने होते हैं। तो इसका आंसर मैं पहले भी दे चुका हूँ और अगेन दे रहा हूँ, एज़ पर लेटेस्ट पॉलिसी अभी तक 90 डेज के लिए तो फ्री होता है, मीन्स जब आप प्रोडक्ट दराज के वेयर हाउस में डिलीवर करेंगे उसके बाद से 90 डेज तक तो कोई चार्जेस नहीं होते। आफ्टर 90 डेज इट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द प्रोडक्ट, वो कितनी स्पेस ले रहा है, कितने क्यूबिक स्क्वायर फीट ले रहा है, वो उसके मुताबिक वो आपसे चार्जेस लेता है, जो कि आपको अलग से पे करने नहीं होते, आपका जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी सेल होती है, उसमें से ही वो डिडक्ट कर लेते हैं। सो आई होप आपको अब काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि बीइंग अ न्यू सेलर आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट पे सेल्स और रिव्यूज़ लेके आने हैं, और वो कैसे लेके आने हैं वो भी मैं आपको टेक्निक्स बता चुका हूँ। अब आपकी चॉइस है आप कौन सी टेक्निक को यूज़ करते हैं, और जब आपके प्रोडक्ट पे सेल्स और रिव्यूज़ आ जाएँ तो आपको क्या करना है आगे का, वो मैं आपको बता भी चुका हूँ और उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो भी देख लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, या अगर पर्सनली क्वेश्चन करना है तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरी वीडियोस आती रहेंगी फ्यूचर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।